नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई थी उसमें क्या कुछ बीडीएससी एएनएम को लेकर कहे गया है, और जैसे कि अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी लगातार जो चल रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी जो शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया है वो तेज़ी से हो रही है, तो उसी में जो नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जिसमें कि तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारे कैंडिडेटों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जैसे कि आप लोगों को स्वास्थ्य विभाग में भी दिए गए थे बापू सभागार में, उसी तरीके से जो शिक्षक की बहाली होंगे उसमें भी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जी के द्वारा। तो इन्हीं बीच जो एएनएम पर क्या कुछ बयान आया है तेजस्वी यादव जी का, क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री भी है और अभी जैसे कि बीटीएससी एएनएम को लेकर सभी जगह चर्चा है, क्योंकि लगातार 1.5 महीना इनकी जो धरना प्रदर्शन चली है और इनकी बात जो आप सबको पता है कि राज्यपाल तक भी पहुंचाया गया था, तो सभी जगह इनकी लगभग चर्चाएं चल रही है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जी क्या कुछ इसमें बोले हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ही अभी इनको लेकर वार्ता हुई है। तो अभी जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो बोला गया है कि बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाया जाए, जैसे कि इनका बहाली का जो प्रोसेस है वो बहाली तो बीटीएससी करेंगे, क्योंकि आयोग तो बीटीएससी है और तेजस्वी यादव जी अभी स्वास्थ्य मंत्री है फिलहाल, तो इनका कहना है कि जो बहाली की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से हो, जल्द हो, ताकि हम नए बहाली, क्योंकि बहुत सारे बहाली अभी स्वास्थ्य विभाग में बचा हुआ है और इनकी अपडेट भी आप सबको देखने को मिले थे कि कितनी सारी बहालियां अभी स्वास्थ्य विभाग में होनी है, इसके बाद फिर से एएनएम के और बहुत सारे पदों पर बहाली आएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में ही भी बहुत सारी बहालियां किए जाने हैं और स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा बताए गए हैं। तो जब तक पुराने वैकेंसी क्लियर नहीं होंगे तब तक नया वैकेंसी आएगा नहीं, तो इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री जी इन बातों पर जोर दे रहे हैं कि बहाली की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी किए जाने चाहिए और जल्द से होंगे तो आप सबका भी बेनिफिट होगा, क्योंकि जितनी जल्दी हो जाएगा तो उतनी आप सबका मतलब कि ज्वाइनिंग प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है, तो ये सारी प्रक्रिया जितनी जल्दी होंगे तो सबके लिए बेनिफिट है। तो जितनी जल्दी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या बीटीएससी के द्वारा इनको लेकर निर्णय लिए जाएंगे। काउंसलिंग को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा गया, अभी तो एग्ज़ाम पैटर्न ही चलेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम को लेकर जो आयोग ने सूचीबद्ध सूचना जारी किया है और उसकी डिटेल्स भी हम आपको सारे कुछ बताए थे, और यदि आप लोग बीटीएससी एएनएम का तैयारी करना चाहते हैं तो क्लासेज रेगुलरली चल रही है और जो भी कैंडिडेट जैसे कि तैयारी अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में करना चाहते हैं तो आपको सारा कुछ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, जैसे कि पीडीएफ हो चाहे क्लास का लेक्चर हो, सारा कुछ आपको बीटीएससी एएनएम की जो तैयारी चल रही है उसकी व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने होंगे व्हाट्सएप पर, और इसके लिए आपको 150 रुपया पे करने होंगे, तो इसका सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारा कुछ आपको व्हाट्सएप पे बता दिए जाएंगे, जैसे कि आपकी क्लासेज रेगुलरली चल रही है और जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम को लेकर बीटीएससी ने बोले हैं दिसंबर में एग्ज़ाम लेंगे, तो बहुत जल्द आप लोगों को डेट भी देखने को मिल सकते हैं कि कब से इनकी जो एग्ज़ाम का डेट है दिसंबर में कब से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो 3-4 रोज चलेंगे तो उसमें डेट डिफाइन किया जाएगा किस कितने तारीख से कितने डेट तक इनकी एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया है वो चलने वाला है, क्योंकि सेंटर भी बहुत ज़्यादा सिलेक्ट नहीं किए गए, 4 डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर रखा गया है, जैसे कि सेंटर पर भी हमने सारी अपडेट आपको बताए थे कि पटना, आरा और सिवान और एक और डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो एग्ज़ाम है वो होनी है। तो और भी बीटीएससी एएनएम से जुड़ी जो भी जानकारी आएंगे सारी जानकारी आप तक जरूर पहुँचाएंगे। थैंक यू।